एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। महाराष्ट्र मंडल एनजीओ तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर कल छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गा पूजा पंडाल जंगली घाट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः पूजा पंडाल आकर संपन्न हुई। बता दें कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली शोभा यात्रा निकाली गयी है। नमस्कार अनुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें जंगली घाट पूजा पंडाल के यहाँ पर, और आज यहाँ पर जो है काफ़ी लोग एकत्रित हैं। जितने भी सनातनी लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जयंती फरवरी 19 को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि 19 को जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन यहाँ पर हुआ था, जिसके कारण आज 25 फरवरी को जो है ये मनाया जा रहा है। तो आइए इसी सिलसिले को लेकर हम महाराष्ट्र मंडल जो है यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल उनके संस्थापक से हम बात करेंगे और इसके बारे में हम जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गोरखनाथ पाटिल है। मैं महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। बोल करके मैं सबसे प्रथम आप सभी उपस्थित जवान और माताएं बहनें, आज का जो ये गणेश अपना शिव जयंती का जो प्रोग्राम था, वो अचानक हमारे यहाँ के जो विशाल जी, महेश, गणेश और अन्य हमारे महाराष्ट्र चेतन जी है ये, और स्वामी जी लाल, ये सभी ने इस चौहान साहब, इन्होंने अचानक हमें इस बात का आग्रह किया कि इस साल हम लोग शिव जयंती मनाएंगे। परंतु 19 तारीख को जो राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था, उसी की वजह से हम उस प्रोग्राम को हम अपने महाराष्ट्र मंडल के अंदर ही किया। और उसके बाद में जब हमारी मैडम का नाम नहीं आता, मैडम जी और सुनीता जी जो संपत लाज की बेटी है, तो उन्होंने जो ज़्यादा आग्रह करने के बाद, और विवेक जी ने, विशाल जी ने हमको ज़्यादा आग्रह, गणेश और महेश ने, इन लोगों ने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और मैं तो थोड़ा नर्वस था कि टाइम निकल जाने के बाद कैसा करें, लेकिन इनके वजह से मुझे इतना खुशी आ गई। मैं बीमार होने की वजह से भी मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, इन्हीं के वजह से ये सब जितने भी हमारे युवा बच्चे हैं, जितने भी हमको सपोर्टर दिए, जैसा कि गौरक्षा संस्था और हनुमान चालीसा और गौशाला हनुमान चालीसा और महाराष्ट्र मंडल के हमारे सभी सदस्यों के ओर से, मैं सभी हमारे छत्रपति शिवाजी के भक्त, इनको मैं हमारी तरफ से, महाराष्ट्र मंडल की तरफ से, महाराष्ट्रियन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगले टाइम भी आप ऐसे प्रोत्साहित करके हमारा छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी हमारे ही नहीं थे, पूरा राष्ट्र के थे। ये आप जानते हैं कि छत्रपति का नाम लेने से इंग्रज ऐसे कांपते थे, छत्रपति का नाम लेने से मुगल लोग डरते थे कि कहाँ से कहाँ हमारे ये हुआ। तो उनको आप, उनकी कहानी आप भी जानते हैं, संपादक है, अच्छे विचारक है, तो सबको मालूम है कि छत्रपति देश के क्या थे, एक महान योद्धा थे, महान संचालक थे, और देश का रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान किया। और जब सिंहगढ़ के ऊपर एक लड़ाई हुई, उसके ऊपर मुगल और हमारा छत्रपति जी का जो तानाजी थे, उनके जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंदर हमारे छत्रपति की जो राइट हैंड थे तानाजी, तानाजी का वध हुआ, और उस वध में छत्रपति जी इतने निराश हुए कि उन्होंने ये शब्द में कहा कि सिंह आया गढ़ गया, लेकिन सिंह गया लेकिन गढ़ आया।
गढ़ तो जीत लिया लेकिन उनका सिंह जो तानाजी थे वो चले गए, तो उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ और उनका राइट हैंड चले गया। फिर भी उन्होंने अपना जो अगला कार्यक्रम है बाकी सैन्य के ओर से उन्होंने शुरू किया और देश के अंदर हर जगह में उन्होंने अपना, दिल्ली तक भी आप जानते हैं, हर जगह में उन्होंने अपनी लड़ाई करके मुगल को परास्त करके अपना भगवा झंडा फहराया और देश का नाम ऊंचा किया। इसलिए मैं आप सबका हार्दिक बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज ये अंडमान के अंदर जहाँ ये जो अभिषेक होता है ये रायगढ़ में ही होता है, केवल ये अभिषेक छत्रपति का होता है, देश के अंदर केवल रायगढ़ में होता, लेकिन आज अंडमान ये ऐसी पहली बार और ये बोलने से देश का दूसरा है जो देश का सबसे पहले स्वतंत्र प्रांत है। सबसे पहले ये बता दे, अंडमान निकोबार एक छोटा सा आइलैंड है, एक यूटी है, लेकिन पहली बार जो है आप लोगों ने और खास करके हमारे यहाँ के जो यूथ है इन्होंने जो है स्टार्ट किया है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे भी ऐसा जो है बरकरार रहे। हम यही चाहते कि अगले टाइम इससे भी ज्यादा सब मिलजुल कर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छा से अच्छा हम इस प्रोग्राम को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और अंडमान के अंदर बताएंगे कि देखिए रायगढ़ के बाद दूसरा अंडमान ही है जो कि छत्रपति शिवाजी का अभिषेक करने वाला देश है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अब हम इसी सिलसिले को लेकर अनिल तिवारी जी से बात करेंगे और इनका क्या कहना है वो हम जानते हैं। योद्धाओं के योद्धा, पराक्रमी एवं अपने राष्ट्र की सम्मान रखने वाले शिवाजी महाराज का आज हम लोग 19 तारीख को मनाने वाले थे, लेकिन महामहिम के दीपों के दौरे के कारण आज वो जयंती मना रहे हैं। वो पूरे महाराष्ट्र की शान नहीं थे, पूरे हमारे देश की शान थे। उनके रहते हुए न किसी अंग्रेज ने न किसी मुगल ने महाराष्ट्र एक साम्राज्य की तरफ किसी ने देखा नहीं। अपनी छापेमार युद्ध की कला में वो जाने जाते थे और बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ से जो योद्धाओं के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, वीरों के बारे में जो उनको प्रेरणा मिली थी उन्होंने पूरा जीवन उसको निभाया। अगर महाराजा शिवाजी के बारे में आपको बताया जाएगा शायद सालों कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने एक छोटी सी वाइट के लिए कहा है। इसके लेते हुए मैं आज जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं में जो उत्साह है, मैं चाहता हूं आज जो छोटी सी चिंगारी है यह अगला साल ज्वाला का रूप 19 फरवरी को लेगी, इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद सर। तो अब हम आपके सामने जो है कुछ यूथ से भी बात करेंगे, क्योंकि आज ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो यूथ है और इन्हीं के कारण जो है इतना बड़ा ये जो प्रोग्राम जो है ये सफल हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं विशाल जी से। सबको जय भवानी, जय शिवाजी। आज हमने पहली बार अपने आइलैंड पे इतने बड़ा रैली करने का कोशिश किया छत्रपति शिवाजी महाराज का। हम चाहते हैं कि हर साल इससे भव्य कार्यक्रम करें और इससे ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़े, और खासकर हम सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं महाराष्ट्र मंडल को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि हमने उनके पास जाके बस अर्जी किया कि हमें ये रैली करना है, उन्होंने सपोर्ट किया है। और हमारे चौहान जी जो हमारे कामधेनु गौशाला के फाउंडर है, इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। स्वामी जी जिन्होंने हमारे स्पेशल गेस्ट को इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, तो सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ जो भी हमारे इधर आए हैं। सोमेश्वर भैया, पालराज भैया जो भी आए, अनिल तिवारी जी, अनीता दी और सुनीता मैडम जो भी है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आगे इससे भी अच्छे भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो आप ये बताइए ना, ये रैली जो है यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसका समापन कहाँ पर होगा? समापन वापस यहीं पे होगा। ये पहले आपका गोलघर से जाएगा, फिर आपके दिलानीपुर हैडो से घूमेगा, फिर फोनिस बेस के रास्ते से नीचे जाएगा और क्लॉक टावर से आपका फ्लैग पॉइंट बाई बंगाली क्लब एंड बीजेपी पार्टी ऑफिस के वहाँ से फिर हमारे इधर समापन होगा। धन्यवाद। तो जैसा हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार की हिस्ट्री में पहली बार जो है यहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है,
वैसे तो ये 19 फरवरी को मनाई जाती है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया जहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, इसी के कारण जो है आज 25 फरवरी को जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आइए हम आपको रैली भी दिखाएंगे और इसका आनंद लें। तो आइए और भी कुछ यूथ से उससे उनसे भी हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है हम जानते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती जो बना रहे हैं पूरे अंडमान एंड निकोबार पे बहुत भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? आज जो हम जिन्हें भी देवी देवता का हम पूजा करते, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कोई कोई कह रहे हैं कि हाँ उन्हें हम भगवान का दर्जा कैसा दे, आज जो हम भगवान के जो हमारे जो मंदिर हर सनातन धर्म का जो अस्तित्व बचा है वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा ही बचा है। वो ना होते तो आज हम सब कुर्ता पजामा पहन के और अपने धर्म को भूल के आज ना हम सनातनी रहते, ना हम ये पूजा पाठ या वगैरह पूजा पाठ संस्कृति के द्वारा हम जुड़े रहते। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमारा धर्म परिवर्तन और हमारे हुए हमारी माता के ऊपर, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड में जो औरंगजेब नाम का जो बहुत दुष्ट राजा जो थे वो हर हमारे हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दे रहे थे, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अटक से लेके कटक तक अपना परचम लहराया और भगवा झंडा पूरे भारतवर्ष में फैलाया। जैसे राम जी ने अपने अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा दौड़ पहराया था, जिसने जो पूरे राष्ट्र को एक दर्जा जो हमारे हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे सके, और उसी कालखंड में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना परचम पूरे अटक से लेके कटक तक फैलाया। इसलिए हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। आज वो है करके हम है, वो नहीं होते हम ना होते। जय भवानी, जय शिवाजी, और उनके कारण उनके पुरुषार्थ, जय शिवाजी।
गजेश्वरपते स्वर्ण रत्न श्रेपते अष्टवादान जागृत अष्टावदान वेष्टित विहाराय मंडित शास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतार श्रीमानधीश्वर राजाधिराज योगीराज महाराजाधिराज श्रीमद छत्रपति शिवाजी महाराज बोलत पार्वते पते हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज के हर 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 जय भवानी जय भवानी जय भवानी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।